is the thing that I got on my mind. How the world's making people go blind. Solitary, ordinary, don't sit well with my gut. It's so strange, I'm not holding my tongue. Radio making me feel so numb. Stolen beats, they're on repeat, but come on, don't we all wanna be someone? What's up guys, this is Inner Agent, welcome back to my channel. Aaj mere saath hai Anuraha and peeche hai Nazia, agar dikh rahi hai to. Okay, so hum log ja rahe hain मंदारगिरी हिल्स. तो लास्ट टाइम हमने शोले हिल्स एक्सप्लोर किए थे एंड यहाँ पर कहीं ऊपर कार्ड लगा होगा, अगर अभी तक वो वीडियो जाके नहीं देखी तो देख लो. सो बेसिकली प्लान इज कि वीकेंड्स पे जाके ऐसे बैंगलोर के जो आसपास वाली जगह है ना, जहाँ पर मॉर्निंग टू इवनिंग जाया जा सकता है, वो सब जगहें कवर करनी है. तो या दिस इज द सेकेंड डेस्टिनेशन, लेट्स गो. डेडिकेशन देख रहे हो तुम, अच्छी बात है, डेडिकेशन होना इज गुड. बाय द वे भूख लग रही है, तो हमने ना आज सुबह आटे के चीले बनाए थे. दैट्स अ वेरी टेस्टी ऑल टाइम मील, लाइक यू कैन हैव इट इन ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, व्हाटएवर. ऑल्सो ये मेरे को ना अभी लेटेस्ट ये नटलाइट की साइड से आलमंड बटर आया था. मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने दो दिन में पूरी डब्बी ख़त्म कर दी है. और ये पराठों के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं. वैसे पराठों के साथ खाना इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ ईटिंग इट, बट इट्स ओके, चलता है. Actually, this is the first time in life that I tried almond butter and I'm totally loving it. Tum bhi try karna yaar. Guys, hum log almost pahunchne wale hain and basically ek Tumkur district hai yahan pe, Bangalore se almost 60 km door. Yahan par hai ye Mandargiri Hills. Chalte hain, fir baaki information main tumhe wahi pahunch ke bataungi. So GPS will actually take you to the right rasta. So there you can, not the truck, but वहाँ पर एक ऐसे बड़ा सा गेट दिख रहा होगा, उसके अंदर से एंट्री करनी है. यार यहाँ से व्यू बड़ा प्यारा है, सारे हिल्स हैं यहाँ पे. आई एम तो वेटिंग पहुँच के एक बार फटाफट हिल टॉप पर जाना है, वहाँ से पूरा 360 डिग्री व्यू जो नज़र आएगा ना, दैट विल बी क्रेजी. तो वेट करो. ओह फक मैन, जस्ट लुक एट द व्यू गाइस. पूरा मंदिर. ओके सो मैंने फोटोज वीडियोज में बहुत देखा था यहाँ से आने से पहले. दैट पीकॉक टेम्पल, दैट्स देयर. अभी चल के तुम्हें क्लियर व्यू दिखा दी. ओके सो दैट्स द हिल दैट वी हैव टू गो. अगर तुम्हें नजर आ रहा है तो वो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ऊपर तक हमें जाना है. Yeah, and that's the temple. And वहाँ ऊपर से view, guys, it is going to be awesome. Awesome, awesome. Nadia, how is the location? Why? Why? मैं नहीं कर रही हूँ. Anurag, how is the location? See the location. See, beautiful location. See. Okay, so that's the place. Yeah. हम लोग पहुँच चुके हैं and वो hills है वहाँ पे. एंड यहाँ पर पीकॉक टेम्पल, पिंछी मंदिर ऑल्सो विच इज़ नॉन एज लाइक एज आई रेड ऑन गूगल. तो चलते हैं पहले और मास्क लगा लेते हैं पहले. यार व्यूज़ तो यहाँ से बहुत ही मज़ेदार है. ये चल रही है फोटोग्राफी. वो मंदारगिरी हिल्स है, वहाँ पर ऊपर जैन टेम्पल है. एंड यहाँ पर ये मैंने नीचे मेंशन कर दिया बिकॉज अभी मुझे पता नहीं है कि ये कौन है. देर इज़ अनुराग, देर इज़ दैट पीकॉक टेम्पल, देर इज़ नादिया. दिस लुक्स लाइक समथिंग. फोटोज़ लेना ही यहाँ पर टास्क है यार, लोग आ ही जा रहे हैं वैसे तो कुछ कुछ. एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर, इट्स लाइक पूरा खाली होगा तभी यहाँ की फ़ोटो बहुत प्यारी आएगी. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला था कि एक स्पॉट अगर आप पकड़ते हो ना फोटो खींचने के लिए, तो गाइस उसको ना छोड़ दिया करो जल्दी, स्पेशली जब कोई हमारे जैसे वेट कर रहा होता है. इट्स बीन लिटरली अगेन 20-25 मिनट्स दैट आई एम वेटिंग, बट देन भाई ये खानदान जाने को नहीं हो रहा, मैं जा रही हूँ, मेरी फ़ोटो नहीं आई एक भी ढंग की, और इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे. बट एनी वे लेट्स गो. नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज दैट हिल. बहुत हल्की हल्की बूंदाबांदी सी भी हो रही है एंड ऊपर इफ़ यू सी तो इट्स ऑल काले बादल. भाई क्या
कलर्स कितने प्यारे आ रहे हैं ना. आई मीन दिस कलर ब्लैक इज कमिंग सो नाइस इन द कैमरा. लेट्स गो अनुराग, लेट्स गो यार. यहाँ नीचे खड़े होकर नहीं फैसिनेट करते रहना. चलो लेट्स गो. तुम लोग फोटो खींचो ठीक है, निकलना मत यहाँ पे आधे घंटे से पहले. और गलत बात यार, ये नहीं करना चाहिए. सबको चांस मिलना चाहिए फोटोज खींचने का. बारिश हो गया बहुत प्यारी वाली जैसे हम लोग वहाँ पीकॉक टेम्पल से बाहर निकले. एंड हम यहाँ एक पानी की टंकी के नीचे खड़े हुए. कुछ लोग वहाँ ऐसे देखो छज्जे के नीचे खड़े हुए. हम लोग यहाँ छज्जा भी नहीं है बेटा, लाइक लिटरली कुछ नहीं है. यू सी तो देयर इज जस्ट दिस टंकी. बट ठीक है, थोड़ा बहुत वो शेड पड़ रही है उसकी, तो इस वजह से बिकॉज बारिश सारी इस डायरेक्शन में ना. साइंस समझो तुम यार, गोप्रो होने का ये तो फायदा होता है, पानी में बढ़िया चलता है. बाय द वे वो रेनकोट है मेरे पास जो लास्ट स्टोरी में दिखाए थे ना, वो गोल गोल थे लेकिन वो गाड़ी में पड़े हैं. तो हम एक्चुअली बाहर थे और इतना भीग गए. अब गाड़ी हमारी वहाँ खड़ी है एंड वे थिंकिंग गाड़ी में ना ही जाए क्योंकि कपड़े गंदे हो चुके हैं, तो गाड़ी भी गंदी हो जाएगी. तो इट्स ओके. क्या हम आज वहाँ जा पाएंगे, दैट्स अ क्वेश्चन. बारिश देख रहे हो तुम, हम यहाँ पूरा भीग भाग के आए हैं. मैडम अंदर बैठिए आराम से. सही है, बारिश रुक चुकी है गाइज, वी आर गोइंग अप. सच फील्स मैन. ओके सो द स्टेयर्स स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड वी हैव टू climb like 450 stairs to reach to the top. The view is damn crazy, I can't tell you. It's so beautiful and there is this gate. I wish I could understand the language they have written. हाँ कोई बात नहीं, चलते हैं ऊपर. यार I wonder इन्होंने ऐसे पत्थर काट के सीढ़ियाँ कितने मुश्किल से बनाई होंगी और इतनी परफेक्ट सीढ़ियाँ हैं ना, ये छोटी छोटी सी सीढ़ियाँ हैं. तो जो भी हाइक है बहुत स्टीप है लेकिन इफ़ यू सी तो स्टेप्स बहुत छोटे छोटे हैं जिससे आपको थकावट शायद थोड़ी कम होगी. हम ज़रा एक फ़ोटो खिंचवा लें यहाँ पे क्योंकि पति खड़े हो चुके हैं अभी, तो व्हाई नॉट. ओह शिट, जस्ट लुक एट द व्यू. जैसे जैसे मैं ऊपर आते जा रही हूँ व्यू बहुत क्रेजी होता जा रहा है एंड बहुत ही पैनोरमिक सा व्यू है एंड ब्यूटिफुल. फिफ्टी परसेंट हो गया हमारा, 50% मोर. हम लोग ऑलमोस्ट ऊपर पहुंच चुके हैं. यहाँ जैन टेम्पल अभी बन रहा है यार, कंस्ट्रक्शन चल रही है. दैट्स व्हाई टू मच नॉइज, बट व्यू तो दिखाऊंगी यार मैं तुम्हें. नाउ आई कांट बिलीव इट, इट लुक्स सो प्रिटी. देयर इज दिस लेक, यहाँ पर हम अभी जाएंगे. इसका रास्ता नीचे से है. यार हवा तो बहुत क्रेजी चल रही है एंड आई जस्ट रियलाइज कि वहाँ एक छोटा सा ऐसे पॉन्ड भी है. अनुराग पहले ही जाके खड़ा हो गया. Every month spending every last dime feeling like I'm just stuck in. देखो मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था ये हरकतें यार ये नहीं करती थी. हिल्स से अराउंड 200 मीटर ऐसे कच्चा सा रास्ता है जो यहाँ लेक तक पहुँचता है. बारिश की वजह से रास्ता थोड़ा सा और ज़्यादा ख़राब है, बट यार ये लैंडस्केप बहुत सुंदर है यहाँ तक आने का. हम यहाँ लेक पर आ चुके हैं एंड देयर इज दिस फैमिली जो यहाँ पर कैंपिंग कर रही है. इट लुक्स रियली कूल. आई विश आई कुड डू सिमिलर थिंग समडे. तो चलते हैं हम लोग बाहर. सो यहाँ से हम लोग आए एंड देयर वी आर गोइंग. रास्ता तुम देख सकते हो, लोग ज़्यादा नहीं हैं. एक पीछे ये कैंपिंग कर रही है फैमिली एंड यहाँ पर ये आगे तक गाड़ी लेकर गए हैं. आई न्यू इट यू विल डू दिस, आई न्यू इट. वो लगी हुई है पानी की फ़ोटो लेने, ये लगा हुआ पत्थर ढूंढने. ढूंढो ढूंढो, काफ़ी दूर गया यार. नाइस नाइस, वेरी नाइस. ओके लेट्स गो टू आवर. ये पता चले मेरा गोप्रो ही पानी में लेके डाल दे. गुड फाइंड ही ना, है ना.
थैंक यू बोल दे एक बारी। येलागिरी जाना है, येलागिरी अगले हफ्ते यार, अगले हफ्ते फिर उसके बाद मेरे पास है नहीं टाइम, हम बर्ड्स वो सेंचुरी नहीं जा रहे थे, तो वीकडेज में चलते हैं, वीकडेज में चलते हैं, लेट्स गो इन पोगो। मेरे रिसर्च काम आ रही है ना गाइस, देख रहे हो तुम, बहुत सही जगह लग रही है यार। चलो जी हरकतें करें थोड़ी सी, थोड़ा थोड़ा ठंडा तो है, नॉट दैट ठंडा कि तुम डाल नहीं पाओ। Need a change before I break so dumb, but I just wanna be someone. God, it's killing me, but I just wanna be a millionaire, a millionaire. So it's time to go back home and अंधेरा सा भी होने वाला है थोड़ा सा, तो टाइम से घर पहुँचते हैं। ऑल्दो यहाँ पर काफ़ी लोग हो चुके हैं अभी, इट्स एक्चुअली अ वेरी नाइस पिकनिक स्पॉट। ये मेरा पति फिर पत्थर देख के पागल हो गया, और ये वाओ नाइस, या सो आई वाज टेलिंग यू दैट इट्स अ वेरी नाइस पिकनिक एंड कैंपिंग स्पॉट।